ओके नमस्ते और आप सत श्री अकाल। मैं हूं सीए शंकर कांत सिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। के आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है पब्लिक। सो अपन कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। बट क्यों ना उसके पहले फटाफट रिवाइज कर ले कल जो किया था। तो कल अपन लोग ने खाली एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस सब्जेक्ट का, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कनेक्शन रखा है। बस उस हिसाब से पूरा चीज वर्कड आउट है। सो अगर मेरे को आप लोग को यहाँ पे चीजें बताना हो, सो कल बहुत ही बेसिक सी चीज थी। सो कुछ स्टूडेंट्स है जो आज नए ज्वाइन हुए, तो नथिंग टू वरी एट ऑल। आज द मेन गेम आज स्टार्ट होने वाला है पब्लिक। चलो, सो वैसा सिनारियो है तो तुम लोगों को वो जो गूगल ड्राइव्स है, बैकअप्स है, वो सब आई थिंक कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड थिंग्स विल बी परफेक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो। यस जो भी आप लोग ने कल सीखा है वो एक बार फटाफट टाइप करके बता दो, सो दैट थिंग्स आर वाइड। यस, सो अपन ने देखा कि थ्योरी चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल चैप्टर्स है एंड उनका कॉम्बिनेशन है। सो इस हिसाब से पूरा ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है SCMPE। पेपर पैटर्न अपन लोग ने फटाफट डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि अपना अप्रोच क्या होगा, तो ये अपना अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे अपन जो बुक यूज कर रहे हैं ऑप्टिमाइज्ड, उसको उसमें क्या क्या कंटेंट है वो अपन ने डिस्कस किया। पास्ट पेपर का ट्रेंड, स्टडी मेंटोर आपके प्लानिंग के लिए प्रीव्यू, एक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% कवरेज ऑफ ICI मॉड्यूल, RTP, जितने भी तक के पास पेपर्स हुए हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट, सारी चीजें यहां पे आप लोगों को बुक में मिल जाएगी जो अपन डिस्कस करेंगे एंड थ्योरी का समरी भी बनाया आप लोग के साथ। पोर्शन वाइज टेस्ट में लूंगा वो दिया था एंड मैंने फिर बाद में कल आप लोग के साथ चार एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। पहला एग्जाम्पल कौन सा था? पहला एग्जाम्पल था मेरा रिलेटेड टू द रेस्टोरेंट। तो उसमें अपन लोग ने देखा कि कैसे कोहली ने ज्यादा खाके भी, ज्यादा कंज्यूम करके भी कम पे किया है, गंभीर ने कम कंज्यूम करके भी ज्यादा पे किया है। उससे अपने को पता चला कि यार इन लोगों के लिए तो इनकरेक्ट कॉस्टिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉस्ट को चार्ज कर रहे हैं जनरल बेसिस पे, जबकि कॉस्ट चार्ज होना चाहिए बेस्ड ऑन कंजम्पशन, बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन। सेकेंड अपन लोग ने एग्जाम्पल लिया था HDFC बैंक का। बैंक में भी अपन लोग ने देखा कि ATM चार्जेस जनरल बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं एंड फिर अपने को रियलाइज हुआ यार बस ये भी गलत है भाई। जो जितना ATM को कंज्यूम कर रहा है, जो जितना ATM में जितनी बार जा रहा है, उसके बेसिस पे चार्ज होना चाहिए ना। सो अगेन ATM चार्जेस शुड बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन। फिर बाद में लिफ्ट वाला मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, भाई लिफ्ट जो जितना कंज्यूम कर रहा है वो फ्लोर उतना उसका मेंटेनेंस चार्जेस भरेगा। एंड लास्ट में आर्टिकल क्लर्क के सामने आप लोगों को बोला था दैट रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये कल अपन लोग ने निष्कर्ष निकाला, जो अपन लोग ने चीजें समझी एंड आज अपन लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस एंड दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। Why do I say most important? Because या तो ये मिनिमम 10 मार्क्स के लिए आना है, वो तो गारंटीड है एंड कितनी बार क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क्स के लिए भी आया है। जैसे मई 2018 का अगर आप लोग पेपर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का वॉज ट्रांसफर प्राइसिंग। वैसे ही कई बार ये लोग ने 20 मार्क्स के लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग को पूछा है एंड therefore इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि क्या एग्जैक्टली होता है ट्रांसफर प्राइस, क्या एग्जैक्टली होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। चलो, सो कोई भी अपन लोग यहां पे चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, भले ही चैप्टर नंबर 1 हो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग पॉलिसी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दुनिया का कोई भी SCMPE का चैप्टर पढ़े अपन लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड हियर इज हर एक जो अपना चैप्टर है, कैन आई से वो बिजनेस से कनेक्टेड है। मानते हो कि नहीं इस बात को? मानते हो कि नहीं इस बात को कि हर एक वो चैप्टर किससे कनेक्टेड है? बिजनेस से कनेक्टेड है। वैसा ही कुछ है ये ट्रांसफर प्राइसिंग भी। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर भी बिजनेस से कनेक्टेड है। अगर आप लोग को बिजनेस का नॉलेज है ना, देन इन दैट केस बनिया बुद्धि है ना आप लोग में, देन इन दैट केस ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। जी हाँ, तो अब मैं आप लोग को कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, उसका आपको जवाब देना है एंड देखना कैसे अपन ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर पहुंचते जाएंगे।
मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बिजनेस, क्या आप बिजनेस समझते हैं? आप बिल्कुल बिजनेस समझते हैं। बिजनेस कोई भी इंसान क्यों करता है, आप मुझे बताएंगे। चलो एवरीबॉडी, किसी को भी कोई भी अगर बिजनेस करता है तो वो बिजनेस क्यों कर रहा है? बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो वो बिजनेस क्यों कर रहा है? एवरीबॉडी थिंक एंड आंसर। वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ डूइंग बिजनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने आपको अभी एक वर्ड यूज किया था कि अपने को बनिया बुद्धि चाहिए। बनिया बुद्धि मतलब कॉमन सेंस थिंकिंग चाहिए मुझे, कोई मुझे हाई फाई लेवल तुम लोग का आंसर्स नहीं चाहिए। मुझे सिंपल आंसर्स चाहिए जो तुम लोग ने बोला है, टू इंक्रीज नेटवर्थ, या सब लोग ने सही आंसर दिया है, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव की वजह से ये अपन बिजनेस कर रहे हैं। सो अपना एंड इंटेंशन है टू अर्न नेट प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिटेबिलिटी। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर है। अपन लोग नेट प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको वापस से सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली इज योर नेट प्रॉफिट? टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन, व्हाट एग्जैक्टली इज योर नेट प्रॉफिट? आपको कोई पूछता है कि यार मुझे बिजनेस करना है प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट बेसिकली क्या है? हाँ, प्रॉफिट बेसिकली क्या है? कैन आई से यस, इट इज नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट। इट इज सेल्स माइनस कॉस्ट, करेक्ट, बराबर है। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूछोगे ना ऑब्जेक्टिव, सो यहां पे अगर मैं लिखता हूं भाई, कोई भी अब पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, उनका मेन काम क्या है पता है? उनका मेन काम है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या आप लोग ये सब मानते हो? अगर कोई आपको पूछे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कोई आपको पूछे, देन इन दैट केस व्हाट विल बी योर आंसर? मैं आपको बोलता हूं सबसे मेन काम उनका यही है टू असर्टेन। टू असर्टेन व्हाट? टू असर्टेन, क्या असर्टेन करना? दो चीज, एक टू असर्टेन कॉस्ट और दूसरा टू असर्टेन सेलिंग प्राइस। एंड आज अपना फोकस इस सेलिंग प्राइस के असर्टेनमेंट के ऊपर है। समझ रहे हो तुम लोग? सिस्टम समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या करना है अपने को? अपने को करना है बिजनेस। हर चैप्टर में अपने को एक ही चीज करना है, वो है बिजनेस की समझ को प्रॉपरली अप्लाई करना। बिजनेस मैं क्यों करता हूं सर? क्लियर है अपने को? बिजनेस अपन करते हैं नेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अच्छा मैं आपको पूछता हूं नेट प्रॉफिट क्या है एंड ऑफ द डे, तो आप बोलते हो सर सेल्स माइनस कॉस्ट जो बच गया सर वो नेट प्रॉफिट है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही नेट प्रॉफिट है। नाउ थिंक फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव। बॉस उसका मेन काम कॉस्टिंग में क्या होता है कि भाई तू कॉस्ट निकाल के दे या सेलिंग प्राइस निकाल के दे। फिलहाल मेरे लिए यहां पे जब मैं ये चैप्टर कर रहा हूं तो मेरा फोकस किसके ऊपर है? मेरा फोकस है सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर है मेरा मेन फोकस? एवरीबॉडी यस और नो? यस, मेरा फोकस है सेलिंग प्राइस के ऊपर। मेरा फोकस है सेलिंग प्राइस के ऊपर। ऑलराइट गाइस, अब मैं आप लोग को बता दूं कि सेलिंग प्राइस में दो तरह के सेलिंग प्राइस होते हैं। सेलिंग प्राइस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाहर के मार्केट के लिए सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, या जिसको अपन प्यार से कहते हैं मार्केट प्राइस। और दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल सेलिंग प्राइस। इस इंटरनल सेलिंग प्राइस को देवी और सज्जनों प्यार से कहा गया है ट्रांसफर प्राइस। जी हाँ, समझ में आया अपन लोग अभी क्या से कहां पे पहुंच रहे हैं एवरीबॉडी? ठीक है, सो लॉजिक्स को यूज करेंगे
मैजिक क्रिएट होते जाएगा आपकी आंखों के सामने, आपको कभी कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आज आपको कोई पूछे बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, तो आप बोलोगे कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। उससे रिलेटेड आपको कोई बोले एग्जाम्पल दो, तो आप रेस्टोरेंट का, बैंक का और लिफ्ट का एग्जाम्पल दे दोगे। दूसरा आप उसको बोलोगे रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आप उसको आर्टिकल क्लब का एग्जाम्पल दे दोगे। ये एग्जाम्पल और ये कॉन्सेप्ट दोनों भी याद रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी मैं आप लोग को सिस्टम जो सेट करके दे रहा हूं ना, मैं आपको बोल रहा हूं कभी भी आप भूलोगे नहीं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, बिकॉज़ एक अपन लॉजिकल फ्लो के साथ, एग्जांपल्स के साथ चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू क्रिएट द यस द मैजिक। यस एवरीबॉडी, चलो लेट्स स्टार्ट। नहीं कुछ लिखना नहीं है अभी आपको, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करोगे, एंड दैट इज मी। खाली मेरे पे फोकस करो और किसी चीज पे फोकस मत करो प्लीज, ठीक है? हाँ, जब भी नोट करना होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको है ना दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा रहा हूं, तो प्लीज जब मैं कॉन्सेप्ट घुसा रहा हूं तो मेरे को चाहिए कि आपका फोकस खाली मेरे ऊपर है, बाकी सब चीजें साइड पे। ऑलराइट गाइस, चलो कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। फोकस, सो मैं कर रहा हूं बिजनेस। बिजनेस क्यों कर रहा हूं? नेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए। वो क्या है मेरा? सेल्स माइनस कॉस्ट, बराबर है? यस सर। ये सेल्स या कॉस्ट कौन डिटरमाइन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा सर कि कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्योंकि उसी को पता है कितना कॉस्ट लग रहा है। सीए इंटरमीडिएट में यही तो सीखा था, कॉस्ट कैलकुलेट करना, जहां पे अपने पास कॉस्ट शीट बनाने का एक ऑप्शन था, अपन कॉस्ट शीट बनाते थे, कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। भाई जब कॉस्ट कैलकुलेट होगा उसी के बेसिस पे मैं आगे का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना कर पाऊंगा, एंड दैट इज व्हाट इज टू बी डन हियर। बट यहां पे सर ने क्या लिखा है? एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, इंटरनल सेलिंग प्राइस, ये दो दो सेलिंग प्राइस कैफे, ये दो दो सेलिंग प्राइस। सो ये चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं अब आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं मेरा तकिया कलाम एग्जांपल रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड दैट एग्जांपल इज रिलेटेड टू अमूल। दैट इज रिलेटेड टू अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आइए आप मेरे को अभी सबसे पहले, अभी इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, आप मेरे को बताओ अमूल क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? एवरीबॉडी, अमूल क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? यस यस एवरीबॉडी, आप मुझे बताएंगे कि अमूल क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा और स्पेसिफिक करेंगे, थोड़ा और स्पेसिफिक होके बताएंगे क्या क्या बनाता है वो डेयरी प्रोडक्ट में। क्या सबसे इंपॉर्टेंट? अमूल कैन आई से इज इनटू, यस, मेकिंग ऑफ मिल्क, करेक्ट करेक्ट, कैन आई से, एक तो वो मिल्क बनाता है, दूसरा चीज, अरे सर वापस आप कल के जैसे मुंह में पानी ला रहे हो सर, कर्ड, बटर मिल्क, आइसक्रीम, पिज्जा नहीं पनीर, हाँ सर लस्सी, क्या बात है। पिज्जा, अमूल का पिज्जा कब से आने लगा हो भाई? सूरज कहां पे रहता है भाई तू? अमूल का पिज्जा आता होगा शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता। चल एनी, सो आप लोग ने सही जवाब दिया कि यस अमूल इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, बट फिलहाल मेरा फोकस खाली उसके दो प्रोडक्ट के ऊपर है, एक है मिल्क और उसका दूसरा प्रोडक्ट है कर्ड, उसका दूसरा प्रोडक्ट है कर्ड, ठीक है? तो अमूल क्या ना इसे, अमूल मिल्क इंटरनली बनाता है, सो मिल्क अमूल, मिल्क अमूल मिल्क इंटरनली बनाता है, एट द सेम टाइम अमूल कर्ड भी इंटरनली बनाता है, बराबर है? अब ये जो मिल्क बन रहा है ये कहां बनेगा? तो उसका अमूल का एक मिल्क डिवीजन होता है, वहां पे ये मिल्क बनेगा। दूसरा कर्ड कहां पे बन रहा है? कर्ड का भी एक डिवीजन होता है, कर्ड वहां पे बनता है। तो मिल्क तो ठीक है, वो अपन लोग इंटरनली बना लेते हैं, बट मेरे को एक बात बताओ पब्लिक, ये कर्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ये दही, दही, अरे दिमाग का नहीं, रियल वाला जो अपन खाते हैं वो कर्ड बनाने के लिए आप लोग को क्या चाहिए? एवरीबॉडी विद द राइट आंसर। सर कर्ड बनाना है तो कर्ड तो मिल्क से बनेगा, कर्ड तो मिल्क से बनेगा। अब अमूल के कर्ड डिवीजन के पास दो ऑप्शन है, अमूल के कर्ड डिवीजन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कर्ड मिल्क से बनाए, आई मीन
अमूल के मिल्क डिवीजन से ले ले या तो वो कर्ड बाहर से ले ले, आउटसाइड से ले ले। आप मेरे को बताओ उसको कहां से लेना चाहिए भाई। कर्ड डिवीजन को कर्ड बनाना है, उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मेन क्या है, मेन उसके लिए मेन क्या है, मेन कर्ड डिवीजन को कर्ड बनाना है, उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या है, किससे बनाएगा वो कर्ड, कैन आई से मिल्क से बनाएगा, करेक्ट। अगर कर्ड डिवीजन का मैं मैनेजर हूं, आप मिल्क डिवीजन के मैनेजर हो, या उल्टा करते समझो, आप कर्ड डिवीजन के मैनेजर हो, मैं मिल्क डिवीजन का मैनेजर हूं, आप कर्ड बनाने के लिए मिल्क कहां से मंगवाओगे, आप मिल्क कहां से मंगवाओगे, बोलो बोलो, चल चल। सो कैन आई से, आप बोलोगे अरे भाई ये तो बाजू में ही है अपना मिल्क डिवीजन, क्यों ना इसी से मंगवा ले, और बाजू में है तो अच्छा है ना, अपने को सस्ता भी पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया, उसका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है बाहर वाले का बच गया, तो चांसेस है कि अपन बाजू वाले से मिल्क डिवीजन से मंगाएंगे, सो द ओवरऑल कॉस्ट विल बी लोअर, चांसेस तो वही है। तो आप अगर कर डिवीजन के मैनेजर हो तो आप क्या करोगे, आप मेरे को बताओ, और मैं मिल्क डिवीजन का मैनेजर हूं, आप क्या करोगे इमीडिएटली बताओ मेरे को, यानी ऐसे आप मेरे को कॉल करोगे, बराबर है, और आप कॉल करके मेरे को क्या बोलोगे, अरे यार मिल्क डिवीजन मेरे को तेरे पास से, अरे यार मिल्क डिवीजन मेरे को तेरे पास से मिल्क चाहिए, अरे यार मिल्क डिवीजन मेरे को तेरे पास से मिल्क चाहिए, बराबर के नहीं चाहिए, अभी बराबर के नहीं, द आंसर इज यस सर, बिल्कुल। हम मिल्क डिवीजन को बोलेंगे भाई चल कर डिवीजन पे मिल्क भेजते। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन को कुछ ट्रांसफर करेगा, मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन को मिल्क ट्रांसफर कर रहा है बराबर कि नहीं, क्या ये फ्री में ट्रांसफर करेगा या कुछ पैसा लेगा, बोलो बोलो चल चल, क्या ये फ्री में ट्रांसफर कर देगा मिल्क डिवीजन या कुछ पैसा लेगा, बोलो बोलो। सर फ्री में तो कोई नहीं ट्रांसफर करेगा, मिल्क डिवीजन का भी खुद का डिवीजन मैनेज करने का कुछ तो खर्चा लगता है, तो फ्री में तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा, वो जो वो कॉस्ट या प्राइस चार्ज करने वाला है मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन को, दैट प्राइस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस, जो अपन लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे इंटरनल सेलिंग प्राइस, इस इंटरनल सेलिंग प्राइस को कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। देखो सब लोग ने बोला है रूपम गुप्ता पैसा लगेगा सर, पैसा तो देना पड़ेगा, भले ही कॉस्ट पर पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा, खाली सालिनी कुमार बोल रहा है फ्री में भाई काई को, हाँ और भी एक जन बोला था फ्री में, रुको देखने दो, पवन कुमार बोल रहा है फ्री में, अच्छा पवन जी मुझे जरा भेजना तो कुछ फ्री में, हाँ अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, क्या 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 हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। सो मिल्क डिवीजन जब कोई भी, या इन शॉर्ट कोई भी इंटरनल डिवीजन, कोई भी इन, ये दोनों तो इंटरनल डिवीजन ही अमूल के, तो जब यहां पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब यहां पे कोई डिवीजन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा, जब ये मिल्क डिवीजन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा अपने ही इंटरनल डिवीजन को, एट दैट पॉइंट इन टाइम द प्राइस टू बी रिकवर्ड, द प्राइस टू बी रिकवर्ड या प्राइस टू बी चार्ज्ड बाय मिल्क डिवीजन टू कर्ड डिवीजन इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। और आज के बाद इस मिल्क डिवीजन को अपन बोलेंगे ट्रांसफरर डिवीजन, और कर्ड डिवीजन को क्या बोलेंगे ये आप लोग मुझे टाइप करके बताओगे। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बराबर हो रहा है, यस, प्राइस टू बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफरर फ्रॉम ट्रांसफरी इज कॉल्ड, कमाल लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड, जी हाँ, ट्रांसफर प्राइस। डन 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 ए समझू एवरीबॉडी, अगर एक ट्रांसफरर है तो दूसरा डिवीजन क्या होगा, सही पकड़े हैं, इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफरी डिवीजन। क्लियर है सब लोग को एवरीबॉडी, क्लियर है सब लोग को एवरीबॉडी। सो अगर मैं आप लोग को खत्म, क्या खत्म,
अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि क्या होता है ट्रांसफर प्राइस, तो अभी मुझे थोड़ा लॉजिकली बता सकता है क्या कोई, क्या होता है ट्रांसफर प्राइस? ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, अब इसका कॉन्सेप्ट बताओ कोई मुझे, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, तो क्या बोलोगे तुम लोग? हाँ, तो क्या होता है ट्रांसफर प्राइस बोलो जरा। हाँ बोलो, क्या होता है ट्रांसफर प्राइस? करेक्ट, इंटर डिपार्टमेंटल सेल जब होता है तो उसमें जो सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी को कहते हैं ट्रांसफर प्राइस, उसी को कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। ए समझू एवरीबॉडी? सो यहां पे क्या होगा, अगर मुझे कोई पूछे ट्रांसफर प्राइस क्या है, कोई मुझे पूछे ट्रांसफर प्राइस क्या है, तो मैं बोलूंगा व्हेन ट्रांसफरर डिवीजन ट्रांसफर्स गुड्स स्लैश सर्विसेज, ट्रांसफर्स गुड्स स्लैश सर्विसेज टू द ट्रांसफरी डिवीजन। बराबर है, यहां पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? गुड्स स्लैश सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। सो व्हेन ट्रांसफरर डिवीजन ट्रांसफर्स गुड्स और सर्विसेज टू द ट्रांसफरी डिवीजन, जी हाँ, द प्राइस चार्ज बिटवीन इंटरनल ट्रांसफर, बिटवीन इंटरनल ट्रांसफर इज कॉल्ड एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बोलते हैं उसको? जी हाँ, उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको समझ में आया ट्रांसफर प्राइस किसको कहते हैं? ठीक है, क्लियर है? अब देखो चैप्टर का नाम ही है ट्रांसफर प्राइसिंग, तो एटलीस्ट ट्रांसफर प्राइस क्या हो वो तो पता हो अपने को, तो वो समझ में आ गया है। तो सर ये तो इजी है, ट्रांसफर है, ट्रांसफरी को जितने पे बेचेगा वो ट्रांसफर प्राइस है, ये तो इजी है, इसके लिए चैप्टर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलो ये समझ में आ गया? यस मनोज कुमार यू आर राइट, करना चाहिए था यूज वो लोग को इंटर में भी। चलो अब कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, इतना चीज समझ में आ गया है, इतना चीज समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, और वो है मेरा एक, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि कहां पे ये ट्रांसफर प्राइसिंग यूज होता है। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसफर प्राइस अगर यूज होना है तो देयर विल बी अ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट एंड देयर विल बी अ ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इन केस ऑफ अमूल देयर इज अ मिल्क डिवीजन एंड दूसरा देयर इज अ कर्ड डिवीजन। आप मुझे बताओ क्या अमूल में और भी कोई डिवीजन के बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग यूज हो सकता है क्या? सोच समझ के मुझे जवाब देना, क्या अमूल के और भी कोई डिवीजन में ट्रांसफर प्राइसिंग यूज हो सकता है क्या? बोलो बोलो चल चल, क्या अमूल के और भी कोई डिवीजन में ट्रांसफर प्राइसिंग यूज हो सकता है क्या? वेल द आंसर इज येस। कौन से डिवीजन में? कहना इससे भाई कर्ड डिवीजन और बटर मिल्क डिवीजन में भी तो हो सकता है, क्योंकि कर्ड से ही तो बटर मिल्क बनता है, छाछ बनता है, अरे हाँ कि ना? अगर मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे ही लेना है, बटर मिल्क मतलब छाछ हो गया, बरार के नहीं कच्ची बियर। सो कर्ड डिवीजन जब बटर मिल्क डिवीजन को कुछ ट्रांसफर करेगा, बिकॉज बटर मिल्क कर्ड से बनेगा, राइट? सो बटर मिल्क डिवीजन जब इंटरनल ट्रांसफर लेगा कर्ड डिवीजन से, दैट बेसिकली विल ऑल्सो फॉल इन द परव्यू ऑफ ट्रांसफर प्राइस। समझू एवरीबॉडी? बोलो बोलो चल चल। अच्छा तुम लोग के साथ एक एग्जांपल लेता हूं, अगर तुम लोग कोई मिड फर्म में या ला बिग फर्म में काम किया होगा, देन इन दैट केस कैन आई से हर एक फर्म का एक डिवीजन होता है, टैक्स ऑडिट डिवीजन, स्टैट ऑडिट डिवीजन, प्राइवेट इक्विटी डिवीजन। तो से फॉर एग्जांपल केपीएमजी का टैक्स ऑडिट डिवीजन को, केपीएमजी के टैक्स ऑडिट डिवीजन को, केपीएमजी के स्टैट ऑडिट डिवीजन को अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड किया उसके लिए जो
चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए। समझू? बराबर बराबर बराबर। अगर 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 और एक लास्ट एग्जांपल, अगर एल एंड टी लार्सन एंड ट्यूब्रो, बराबर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसने बनाया, एंड इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसने किया, एल एंड टी सीमेंट और एल एंड टी इंफ्रा, क्या इन दोनों में भी इंटरनल ट्रांसफर होता है? यस, एल एन टी इंफ्रा को सीमेंट का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। ये जब ट्रांसफर होता है, जो प्राइस पे ट्रांसफर होता है, पब्लिक उसको क्या कहते हैं? क्या प्रैक्टिकली समझ में आ गया? यस सर। क्या एग्जांपल समझ में आ गया अमूल और मिल्क और कर्ड डिवीजन का? यस सर। क्या ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉजिकली कॉन्सेप्ट फंडा समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यूजुअली डिविजन्स प्रोडक्ट के बेसिस पे बनते हैं नवीन। डन गाइस। चलो अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर तो ये जो ट्रांसफर प्राइस है ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। यूजुअली तो आप क्या सोचोगे कि सर जो मिल्क डिवीजन है वो कर्ड डिवीजन को अपने कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, तो मिल्क डिवीजन का अपन लोग ने कॉस्ट तो कैलकुलेट किया ही है, तो वो जो कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है कर्ड डिवीजन को, वो ट्रांसफर प्राइस हो गया। भाई सर अंदर अंदर की बात है, थोड़ी ना खुद प्रॉफिट कमाएगा अपने कर्ड डिवीजन से, कर्ड डिवीजन बटर मिल्क डिवीजन को कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देगा कर्ड, तो उसके ऊपर थोड़ी ना वो प्रॉफिट कमाएगा, ये हो सकता है आपकी सोच हो। एंड मैं आपको बता दूं, 1995 के पहले ऐसा ही कुछ होता था, इसके लिए 1995 के पहले ये चैप्टर हुआ ही नहीं करता था। अगर आप आपके प्रिंसिपल को पूछोगे ना, अगर उन्होंने 1995 के पहले अगर सीए का एग्जाम क्लियर किया है, देन इन दैट केस उनको ये चैप्टर के बारे में पता ही नहीं होगा। उनको टैक्स के ट्रांसफर प्राइस के बारे में पता होगा, उनको कॉस्टिंग के ट्रांसफर प्राइस के बारे में पता ही नहीं होगा, बिकॉज पहले एक्चुअली ऐसे ही होता था, एक डिवीजन अपने दूसरे डिवीजन को कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देता था। तो अब ये तो कॉस्ट कैलकुलेट अपन कर ही रहे, बस वो कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है तो हो गया ट्रांसफर प्राइस, आ गया कैलकुलेशन। बट फिर कहानी बदल गई, और अब मैं आप लोग को वो कहानी बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ इन योर सीए सीडब्ल्यूए फाइनल करिकुलम। क्या आप जानना चाहोगे? सो अगर पीडब्ल्यूसी मुंबई टैक्स चार्जेस फ्रॉम पीडब्ल्यूसी दिल्ली टैक्स फॉर असाइनमेंट, वो भी ट्रांसफर प्राइस ही बिल कहलाएगा? यस जय कुमार जानी। क्या ट्रांसफर प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है? सचिन जी वही तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सर। चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं, चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या सीन था, क्यों ये ट्रांसफर प्राइस एज अ चैप्टर आया, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइस। इधर तक किसी को कोई डाउट? सब लोग मेरे साथ में पूरे बराबर है? सब लोग मेरे साथ में है, बराबर है? चलो डन। अब मैं यहां पे बता रहा हूं आप लोगों को कि क्यों आया ये। सुनो, पहले अगर मैं आपको बात करूं ना, तो प्री 1995, जी हाँ, जैसा मैंने आपको बोला 1995 के पहले फ्रेंकली स्पीकिंग ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर था ही नहीं। ये तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर आया पोस्ट 1995। तो सर ऐसा पोस्ट 1995 इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि ट्रांसफर प्राइस ऐसा चैप्टर आ गया, वो मैं बताऊंगा। तो बट प्री 1995 क्या होता था वो भी समझ लो। 1995 के पहले है ना, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मालूम है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तुम लोग तो इंटरमीडिएट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़कर आए हो बरखुरदार, तो तुम्हारे को ये सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम पता होगा। तो आप मुझे बताओगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मुझे जरा बोलो बोलो चल चल। कहने से सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल मीनिंग मैं बोलू तो, डिसीजन मेकिंग विद द टॉप अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज। मैंने तुमको क्या बोला, मुझे कॉमन सेंस वाला आंसर चाहिए, मुझे बनिया बुद्धि वाला आंसर चाहिए, मुझे कोई तुम्हारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉड्यूल का आंसर नहीं चाहिए। कहना इसे सिंपल लैंग्वेज में, अरे कहना क्या चाहते हो, सिंपल लैंग्वेज में कहना ये चाहते हैं, जब डिसीजन मेकिंग फाइनल डिसीजन मेकिंग इज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, वी से इट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जगह से कंट्रोल होता है, राइट नीति, अपर लेवल कंट्रोल एवरीथिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। लक्ष्मी, स्मृति, राधिका, एवरीबॉडी, आर यू क्लियर? यस सर। सो तब क्या हुआ करता था,
सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, क्या था? सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. इन दिस केस डिसीजन मेकिंग वॉज ओनली विद द टॉप अथॉरिटी. डिसीजन मेकिंग वॉज ओनली विद द टॉप अथॉरिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज? यस सर. तो तब क्या होता था, जब डिसीजन मेकिंग टॉप अथॉरिटी के पास है ना, तब मैं तुम्हारे को बताऊं अंदर की बात क्या होता था. सो तब इंटरनल ट्रांसफर, ऐसा नहीं है कि इंटरनल ट्रांसफर नहीं होता था, इंटरनल ट्रांसफर होता था, बट इट वॉज डन एट कॉस्ट. एंड बिकॉज इंटरनल ट्रांसफर वॉज डन एट कॉस्ट, सीए का लिमिटेड स्कोप था. सीए का जरूरत ही नहीं था, बिकॉज भाई कॉस्ट तो कैलकुलेट करना ही है वैसे भी एक डिवीजन का, बस वही कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो. समझ रहे हो तुम लोग? अब यहां पे पोस्ट 1995 सिस्टम चेंज होने लगा. पोस्ट 1995 सिस्टम चेंज होने लगा. आप मेरे को बताओ क्या होगा. देखो पहले के टाइम पे मैं आपको बताता हूं क्या होता था. पहले के टाइम पे जो बिजनेसेस होते थे ना, वो बिजनेसेस एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड होते थे. तो से फॉर एग्जांपल मेरा एक मेडिकल शॉप है, तो मैं खाली मेरे एरिया में एक मेडिकल शॉप रखूंगा, मैं एकदम लाला जी वो गद्दे पे बैठूंगा, आएगा गल्ला संभालूंगा, हो गया. एक मिठाई वाला है तो वो खाली एक मिठाई वाला रखेगा. एक कुछ मेरा किसी स्टेशनरी का दुकान है, वो खाली एक स्टेशनरी होगा. बट कहना इससे उसके बाद चीजें चेंज होना चालू हुई. अब हर एक बिजनेस अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है. अब हर एक बिजनेस अपने आप को देखना चाहता है कि उसके अलग अलग ब्रांचेस हो. अब अगर मेरे को 10 ब्रांचेस, 20 ब्रांचेस, 100 ब्रांचेस डालने हैं, देन इन दैट केस क्या वो सारा का सारा मैं अकेला मैनेज कर पाऊंगा, या मेरे को सेंट्रलाइज सिस्टम से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आना पड़ेगा? बोलो बोलो, चल चल. करेक्ट. सो पहले तो पब्लिक खाली एक जगह पे ही होता था, फिर सिटीज में एक्सपांड होने लगा, स्टेट में, नेशन वाइज, आज तो ग्लोबली इंटरनेशनली एक्सपांशन होता है. अब अगर ग्लोबली इंटरनेशनली एक्सपांड करना है, देन इन दैट केस क्या अकेला आदमी सब चीज मैनेज करेगा क्या? बोलो. नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है एट दैट पॉइंट इन टाइम. पोस्ट 1995, देखो 1991 में इंडिया में एलपीजी पॉलिसी आया. ये एलपीजी पॉलिसी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो उसकी इसी के साथ ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आके कॉम्पीट करने लगी, प्राइवेट कंपनीज एकदम कॉम्पिटिटिव हो गए. तब पब्लिक को रियलाइज हुआ कि खाली एक जगह पे बैठ के कुछ नहीं होगा, अपने को भी एक्सपांड करना पड़ेगा. अब अगर अपने को भी एक्सपांड करना है, पब्लिक अपने को भी एक्सपांड करना है, देन इन दैट केस सेंट्रलाइज सिस्टम से अपने को मूव करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर. एंड दैट इज वॉट स्टार्टेड हैपनिंग पोस्ट 1995. Decentralized system of organization was introduced. Decentralized, या जिसको बोलते हैं departmental system of organization was introduced. Are we understanding? Yes or no? अब ध्यान से सुनते जाना मेरा points. अब ध्यान से सुनते जाना मेरा point. ठीक है. अब हुआ क्या पता है? मैंने डिसेंट्रलाइजेशन चालू किया, मैं आपको एक बात बताते जाता हूं. ठीक है. ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अगर तुम लोग ने देखा होगा कि जो कहीं पे गवर्नमेंट, जैसे अभी अगर आप एसबीआई में जाओगे ना, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्जांपल दे रहा हूं जो आप कनेक्ट कर पाओगे. जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता हूं ना, तो वहां के लोग बहुत ही थकेले होते हैं, आई कैन से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है आपके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में, एकदम आराम से बैठे होते हैं. जबकि वही मैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में जाऊंगा, तो उनका जो पर्सनल मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर है, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा कि सर ये वाला प्रोडक्ट ले लो, सर ये वाला काम कर दो, सर ऐसा कर दो, सर ये आपका अकाउंट खुलवा दो ना, सर और एक अकाउंट खुलवा दो ना, सर सेविंग अकाउंट, सर आपके बच्चे का अकाउंट, ये वो. हाँ कि ना? क्यों ऐसा, ये डिफरेंस क्यों? क्यों एसबीआई वाला आराम से बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, जब जाओ तब बोलेगा लंच ब्रेक के बाद आना. क्यों एफआ और एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सब बैंक में अगर मैं जाता हूं, देन इन दैट केस ये बैंक तो यार एकदम मतलब ऑन द टोज है इनके एम्प्लॉइज, तो एफआ क्यों? सोचा है ये तुमने क्या कभी? यस, वही वन ऑफ द रीजन है ट्रांसफर प्राइस इंट्रोड्यूस होने का. आओ अब मैं आपको बताता हूं. ऐसा ना बोलो, मेरे पापा भी एसबीआई में आए. स्मृति जी, आई एम श्योर वो एक्सेप्शन केस में आते हैं. ठीक है.
करेक्ट पल्लवी, एकदम पॉइंट पे बोलिए पल्लवी। सर ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, इन लोगों को फिक्स्ड सैलरी मिलता है। स्मृति बराबर बोल रहा हूं ना मैं? बट यही HDFC, ICICI, एक्सिस वाले ना, इन लोगों को मिलता है पेमेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दिस इज वेयर द गेम चेंजेस, दिस इज वेयर द गेम चेंजेस। जी हाँ, आओ अब मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम है। तो जब सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, जब सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपका जो सैलरी है ना, आपको मिलता है एक फिक्स्ड सैलरी, आपको मिलता है एक फिक्स्ड सैलरी, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जबकि ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को तो एक्सपांड करना है, बड़ा होना है, तो उसने तो अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। जब ये डिसेंट्रलाइज कर लेता हूं ना, तो अब मेरे पास तो टाइम नहीं है मैं पूरा देखूं। से फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस ले लो, ठीक है, मेरा एक से पेन बनाने का बिजनेस है, ठीक है। अब मेरा जो पेन बनाने का बिजनेस है वो मैं मेरे बॉम्बे में कर रहा हूं। अब मेरे को ये पेन बनाने का बिजनेस पुणे में ट्रांसफर करना है, ठीक है। आप लोग में से कोई एक सिटी बोलो, आप में से कोई एक सिटी बोलो, वही सिटी को मैं चूज करता हूं, जो फटाफट फर्स्ट बोलेगा उस सिटी को मैं लूंगा। कम ऑन एवरीबॉडी। यस यस यस, कम ऑन। एंड द फर्स्ट सिटी इज इंदौर बाय शिवांगी आर्या। सो सपोज अभी मैं, मेरा यार इंदौर का बात है तो फिर खाने पीने का बात करना पड़ेगा ना भाई। तो अभी से फॉर एग्जांपल मेरा फास्ट फूड का आउटलेट है बॉम्बे में, ठीक है, मेरा संकल्प फास्ट फूड करके एक आउटलेट है बॉम्बे में। अब शिवांगी मेरे को फोन करती है कि सर मेरे को भी आपका फ्रेंचाइजी चालू करना है, ऐसा कुछ। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार ये अच्छा आइडिया। तो अब मैं शिवांगी को अपॉइंट करता हूँ एज अ एम्प्लॉय, और शिवांगी को बोलता हूँ कि शिवांगी मेरा इंदौर का जो एस संकल फास्ट फूड का कॉर्नर है वो शिवांगी देखेगी, शिवांगी उसको मैनेज करेगी। अब शिवांगी को अगर मैं बोलता हूं तेरे को 20,000 रुपया फिक्स सैलरी में दूंगा, बराबर है, और उसकी जगह पे बोलता हूं शिवांगी तेरे को 15,000 फिक्स दूंगा, प्लस 10% तेरे को कमीशन मिलेगा ऑन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर दैट यू ब्रिंग, मतलब ऑन द टोटल टर्नओवर जो भी होगा पूरे महीने में, उसका 10% तेरा। आप मेरे को बताओ कहां पे शिवानी काम करने के लिए मोटिवेटेड होगी, 20,000 में या 15,000 प्लस 10% उसको अपन लोग देंगे एज कमीशन ऑन द टर्नओवर। बोलो बोलो, चल चल, बराबर है। प्लस प्लस मुझे भी एक शांति रहेगा कि भाई अगर मैं उसको कमीशन दे रहा हूं तो सीधी सी बात है शिवांगी अपना बेस्ट एफर्ट पुट करेगी, क्योंकि जो भी टर्नओवर आ रहा है, जितना वो टर्नओवर बढ़ाएगी उतना उसको कमीशन मिलेगा। अब जितना वो टर्नओवर है बढ़ाएगी उतना मेरे को भी प्रॉफिट मिलने वाला है। एंड दैट इज वॉट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू डू, जिसको नाम दिया गया प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाम दिया गया प्रॉफिट सेंट्रिक डिविजन्स। तो इसका मतलब जो सेंट्रलाइज सिस्टम में जिनको यहां पे फिक्स सैलरी मिल रहा है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कॉस्ट सेंट्रिक डिविजन। इनको कोई लेना देना नहीं है कंपनी के प्रॉफिट से, टोटल टर्नओवर से, क्योंकि इनको फिक्स सैलरी मिलने वाला है। तो पहले जब सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, एट दैट पॉइंट इन टाइम ये सब के सब कॉस्ट सेंट्रिक थे, बिकॉज दे वर कॉस्ट सेंट्रिक, बिकॉज दे वर कॉस्ट सेंट्रिक। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मिल्क डिवीजन बोलता था हाँ तू कॉस्ट पे लेके जा, कर डिवीजन आगे बटर मिल्क बोलता था तू कॉस्ट पे लेके जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तू कॉस्ट पे लेके जा या मत लेके जा, मेरे को तो जितना मेरा सैलरी है उतना ही मिलने वाला है। बट कहानी बदलती गई, अब डिसेंट्रलाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट सेंट्रिक काम होता है, और जब प्रॉफिट सेंट्रिक काम होता है एट दैट पॉइंट इन टाइम जो एम्प्लॉय है उसको टर्नओवर के ऊपर, उसको अपने सेल्स के ऊपर बोनस मिलता है, एम्प्लॉय को उसके सेल्स के ऊपर बोनस मिलता है, एम्प्लॉय को उसके, इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूँ एम्प्लॉय या डिवीजन को, एक्चुअली डिवीजन को उसके प्रॉफिट के ऊपर, डिवीजन को डिवीजन को अपने प्रॉफिट के ऊपर बोनस मिलता है, डिवीजन को अपने प्रॉफिट के ऊपर क्या मिलता है, बोनस मिलता है। एंड देयरफॉर ऑल द डिविजन्स आर एक्साइटेड, ऑल द डिविजन्स वॉन्ट टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके लिए ये चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस रखे, और जो
ट्रांसफरी डिवीजन है वो चाहेगा कम से कम कॉस्ट रखे इस निगोसिएशन के चक्कर में, इस मैं ज्यादा प्राइस पे सेल करूंगा मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट को भी, मैं कम कॉस्ट में लूंगा मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट से भी, इस जद्दोजहद की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ ये कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइस। बिकॉज अब हर एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंट्रिक डिपार्टमेंट है, और अगर वो प्रॉफिट सेंट्रिक डिपार्टमेंट है देन इन दैट केस वो एक एक पैसा जो सेल करने वाला है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने वाला है, एक एक कॉस्ट जो इंकर करने वाला है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है उसको, ताकि उसको और उसकी टीम को बोनस मिले। एंड दैट इज वेयर द सिस्टम ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद यस द प्रोफेशनल्स, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ए समझी गुड एवरीबॉडी, समझे क्या शेखर? आई विल गेट बैक टू योर पॉइंट। एंड दिस इज वेयर अब ये डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, ये डिसीजन लेते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे, और इनको प्रॉफिट चाहिए तो ये तो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस रखेंगे। पर जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है वो बोलेगा भाई मैं भी इधर प्रॉफिट कमाने को बैठा हूं, मैं भी कम से कम कॉस्ट रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम कॉस्ट, कैसे निगोशिएट करके कुछ कॉमन पॉइंट पे आए, इज व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या अपने को यहां पे करना है, क्या अपने को यहां पे करना है। अरे बोलो यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो एवरीबॉडी, समझ रहे हो? एनी डाउट्स स्टिल हियर? एकदम बेस लॉजिक सेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे जाके ये आप लोगों को हेल्प करेगा बहुत। शाबाश एवरीबॉडी सेइंग गॉट इट। देखो किसी को भी डाउट होगा ना पूछते रहना, कोई डाउट मत रखना, लॉजिकली समझ में आ गया ना? गौरव मेहता बोल रहा है ऐसे तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, नॉट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, इसीलिए तो आपको बुलाया गौरव जी, ओ चार्टर्ड साहब, इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं, कर रहे हैं ना अभी आगे, यही सब आपके साथ डिस्कस करना है सर जी, यही सब आपके साथ डिस्कस करना है। चलो सो ये प्रॉफिट सेंट्रिक डिसेंट्रलाइज। तो अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आज की तारीख में 2024 से, फॉर एग्जाम्पल 2024 में या 2025 में, आज की तारीख में मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है एसके लिमिटेड, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है एसके लिमिटेड, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है केएस लिमिटेड, ठीक है, एसके लिमिटेड, केएस लिमिटेड। आप मेरे को बताओ, एसके लिमिटेड है ना मेरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे हम लोग सब कुछ इंटरनल ट्रांसफर कॉस्ट सेंट्रिक रखते हैं, हम हमारा इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट करते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, तो एम्प्लॉय को कोई लेना देना नहीं है, डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट से, तो हमारा इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट होता है। आप मेरे को बताओ क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग यूज होगा क्या, हाँ या ना? भले ये 1995 के बाद का ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही ये आज 2024 का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यहां पे एसके लिमिटेड में ट्रांसफर प्राइसिंग यूज होगा क्या बच्ची, हाँ या ना में जवाब दो। शिवांगी जी, शिवांगी जी ने यस बोला है, बाकी सबने नो बोला है। वेल द आंसर इज कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर प्राइस नहीं होगा। मतलब ट्रांसफर प्राइस बेसिकली मतलब अपना सीए का जरूरत है क्या यहाँ पे शिवांगी जी, वो कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं यार, क्या यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग या सीए का जरूरत लगेगा क्या? द आंसर इज नो। यहां पे हमारे को मतलब इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट हो जाएगा, उसी को ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं, बट यहां पे मेरा कहने का मतलब है ट्रांसफर प्राइस मतलब सीए वाला ट्रांसफर प्राइसिंग यूज होगा क्या यहां पे? द आंसर इज नो। शिवांगी कोमल, समझ में आया तुम लोग को? शिवांगी कोमल बेटा, समझ में आया तुम लोग को?
प्रिया समझ में आया तुम लोगों को? एवरीबॉडी यस? बट यही मेरे पास केएस लिमिटेड है, केएस लिमिटेड डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे ही ये डिसेंट्रलाइज्ड या डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट नहीं होगा, एट ट्रांसफर प्राइस होगा। और ये ट्रांसफर प्राइस, ये वाला क्या जरूरत पड़ेगा क्या, यहां पे मेरे को सीए वाले ट्रांसफर प्राइस की जरूरत पड़ेगी क्या? द आंसर इज यस यस एंड यस। समझ में आ गया सब लोग को? किसी को कोई शक, कोई डाउट? बोलो बोलो, चल चल। क्लियर क्लियर? सो एसके लिमिटेड में अपना सीए वाला ट्रांसफर प्राइस यूज होगा क्या? नहीं, इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट, सीए का जरूरत नहीं है, चलो बात खत्म। बट केएस लिमिटेड डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रॉफिट सेंट्रिक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रॉफिट सेंट्रिक है, क्या यहां पे सीए वाला ट्रांसफर प्राइस जो अभी अपन पढ़ने वाले यूज होगा क्या? यस सर यस सर यस सर। ए समझू एवरीबॉडी? डन। चल अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक लेके चलता हूं। इधर तक किसी को कोई डाउट? सब लोग मेरे साथ में हो? ठीक है स्मृति, बुरा तो नहीं मानी ना तू? पक्का? चल अब मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूं, देखते हैं आप लोग को क्या चीजें समझ में आई है। सपोज एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अमूली, अमूली ले लेते हैं। अमूल का ही सेंट्रलाइज्ड बिजनेस है, अमूल है बट सेंट्रलाइज्ड बिजनेस है, ठीक है। चल अब सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मतलब एम्प्लॉयज को फिक्स सैलरी मिल रहा है, मैनेजर को या डिवीजन को कोई बोनस नहीं मिलने वाला है प्रॉफिट के ऊपर, कोई वो सब चीज का लेने वाला नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। पार्टिक्यूलर्स, मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन होगा यहां पे, एंड बटर मिल्क डिवीजन, मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन, बटर मिल्क डिवीजन। अब आ जाते हैं पार्टिक्यूलर्स के ऊपर। अब यहां पे आ जाता है सबसे पहला, मैं इधर लिखता हूं, से मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है से 1 लाख लीटर्स, 1 लाख लीटर्स, ठीक है, ठीक है। अब जब ये कर्ड डिपार्टमेंट है, इसका फोन आता है मिल्क डिपार्टमेंट को और बोलता है, सुन मिल्क डिपार्टमेंट, मेरे को 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए, ठीक है। बटर मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को बोलता है, मेरे को 10,000 लीटर्स ऑफ कर्ड चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, ये जो भी ट्रांसफर होने वाला है यहां पे किस बेसिस पे ट्रांसफर होगा? मिल्क डिपार्टमेंट जब कर्ड डिपार्टमेंट को 20,000 लीटर्स ऑफ मिल्क ट्रांसफर करेगा, किस प्राइस के ऊपर करेगा? इट विल ट्रांसफर एट कॉस्ट बिकॉज इट इज अ सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ये यहां पे और एक 10,000 लीटर्स ऑफ कर्ड ट्रांसफर करेगा कर्ड डिपार्टमेंट मिल्क डिपार्टमेंट बटर मिल्क डिपार्टमेंट को, इट विल बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट। ए समझी गुड एवरीबॉडी? क्या आप लोगों को ये सिस्टम समझ में आ गया? एनी डाउट्स एनीबॉडी? इसमें किसी को कोई भी डाउट? इधर तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ भाई, समझ में आ रही है बातें आप लोग को? बट यही अगर मैं एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाता हूं, देन इन दैट केस कहानी बदल जाएगी। यहां पे ये जो कॉस्ट बेसिस पे ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं होगा। एंड अब अपने को यही चीज सीखनी है
इन दिस चैप्टर ट्रांसफर प्राइस। क्या आप तैयार हो मेरे साथ सीखने के लिए? तो अब क्या मैं मेरा एग्जाम्पल बनाऊं रिलेटेड टू, बट अब मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा भाई? देखो जो सेंट्रलाइज और कॉस्ट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके केस में तो अपने को टेंशन ही नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज एट कॉस्ट, सीए का जरूरत नहीं है, चलो हटा सावन की घटा। बट अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अब मैं आप लोगों को जो एग्जांपल देने वाला हूं वो किसका बनेगा? करेक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लस, पूरा बोलो पूरा बोलो, पूजा स्मृति पवन वासु पूरा बोलो, द एग्जांपल विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, पूरा बोलो पूरा बोलो, इट विल बी बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्लस इट विल बी प्रॉफिट सेंट्रिक प्लस इट विल बी प्रॉफिट सेंट्रिक। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझियो? अब इसके ऊपर एग्जाम्पल आ रहा है, आइए बताते हैं कैलकुलेशंस कैसे होता है। चलो स्टार्ट करेंगे गाइस। स्टार्ट करेंगे, चल फर्स्ट फर्स्ट है मेरा केस वन, फर्स्ट है मेरा केस वन। इस केस वन में क्या होने वाला है चलो वो मैं आपको बताता हूं। सो अमूल, अपन लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, अमूल का मिल्क डिवीजन है, अमूल का मिल्क डिवीजन है, चलो अमूल का मिल्क डिवीजन है यहां पे, इस अमूल के मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है पहले मैं बताता हूं, नहीं कुछ नोट मत करो अभी फिलहाल, मुझे खाली जवाब देते जाना ठीक है। हाँ इधर देखो, अमूल का मिल्क डिवीजन है, इस अमूल के मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख लीटर, इस अमूल के मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख लीटर। चल आगे बढ़ते हैं, इस डिवीजन का एक्सटर्नल डिमांड है 80,000 लीटर, एक्सटर्नल डिमांड समझते हो, एक्सटर्नल डिमांड बाहर का पब्लिक जो मिल्क लेता है वो है 80,000 लीटर, ठीक है सर ठीक है। आप मुझे बताओ इस अमूल मिल्क डिवीजन के पास कितना स्पेयर कैपेसिटी पड़ा है, बोलो बोलो चल चल, एक्सटर्नल डिमांड मतलब हाँ मार्केट डिमांड, वेरी गुड मार्केट डिमांड है ना, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ इस अमूल मिल्क डिवीजन के पास कितना स्पेयर या आइडल कैपेसिटी पड़ा है, कितना स्पेयर या आइडल कैपेसिटी पड़ा है, बोलो बोलो टेल टेल। यस कैन आई से इट इज 20,000 लीटर, कैन आई से इट इज 20,000 लीटर स्पेयर, यस एवरीबॉडी बोलो कैसे आया ये, कहना इसे 1 लाख में से 80,000 माइनस किया, 1 लाख लीटर है सर उसमें से 80,000 बाहर वाले को देते हैं बाकी का बचाओ। ओके ओके सर, ओके ओके ठीक है। अब मैं आपको और कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे दे देता हूं जिससे आपको हेल्प पड़ेगा, जिससे आपको हेल्प पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ तो बात कुछ ऐसी है कि मिल्क डिवीजन है, ये जो मिल्क डिवीजन है, इस मिल्क डिवीजन का मार्केट सेलिंग प्राइस है ₹100, मार्केट सेलिंग प्राइस है ₹100 और वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट फिलहाल ले लो इसका है ₹80 पर लीटर, ठीक है। ₹100 का मार्केट प्राइस है,
₹80 का वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। अब इसको कॉल आता है, कर्ड डिवीजन के पास से। कर्ड डिवीजन उसको कॉल करके बोलता है, सुन मिल्क डिवीजन, ओए मिल्क डिवीजन सुन मेरी बात, मेरे को है ना 20,000 liters ऑफ मिल्क चाहिए, मेरे को 20,000 liters ऑफ मिल्क चाहिए। हाँ तो क्या? 20,000 liters ऑफ मिल्क चाहिए, हाँ तो क्या? तो तू कितने में मेरे को देगा? तो यहां पे जब ये दोनों डिसेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक है, तो ट्रांसफरर डिवीजन मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना चाहेगा, कर्ड डिवीजन मतलब जो मिल्क डिवीजन है वो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस रखना चाहेगा क्योंकि उसको उससे प्रॉफिट मिलेगा, कर्ड डिवीजन लीस्ट रखना चाहेगा कॉस्ट क्योंकि उसको उससे फायदा होगा। यहां पे बिकॉज कंफ्यूजन है, आप बुलाओगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम यहां पे होता है टू कैलकुलेट मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड टू कैलकुलेट मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, समझ रहे हो? अब उसको फाइनल ट्रांसफर प्राइस डिसाइड नहीं करना है, वो ट्रांसफर प्राइस तो ये दोनों इंटरनल डिविजन्स है ना वो ही निगोशिएट करके करेंगे, बट उसका सीए का काम है कि ऐसा ट्रांसफर प्राइस का रेंज सेट करे कि ये रेंज में दोनों का कुछ नुकसान ना हो, ये रेंज अपने को सेट करना है। एंड दिस इज व्हाट आवर रोल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन दिस चैप्टर। आर वी क्लियर गाइस? आर वी क्लियर गाइस? यस और नो? बोलो बोलो, चल चल, यस और नो? चलो, सो अब सीए का रोल क्या है मुझे बताएंगे आप? सीए का रोल क्या है? सीए का रोल है टू कैलक्यूलेट रेंज, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस फॉर इंटरनल डिवीजन ट्रांसफर, बराबर है? और इसी में आप लोग के होने वाले हैं दो रेंज, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस टू मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ये मुझे बताओ कौन सा डिवीजन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस चाहेगा, अमूल डिवीजन या कर्ड डिवीजन? अच्छा भाई, तो अमूल डिवीजन को क्या कहेंगे और कर्ड डिवीजन को क्या कहेंगे? दो दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया यार। पहले मुझे बताओ अमूल डिवीजन को क्या कहेंगे और कर्ड डिवीजन को क्या कहेंगे, वो बताओ। चलो अमूल डिवीजन मिल्क डिवीजन को क्या कहेंगे और कर्ड डिवीजन को क्या कहेंगे, वो बताओ। करेक्ट। कैन आई से मिल्क डिवीजन को अपन आज के बाद कहेंगे ट्रांसफरर डिवीजन, कर्ड डिवीजन को अपन कहेंगे ट्रांसफरी डिवीजन? सही है सर, एकदम सही है। अच्छा अब मैं आपको बोलता हूं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कौन चाहेगा और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कौन चाहेगा, लिख के बताओ। मिनिमम ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, मैक्सिमम ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, ये तुम लोग को लिख के बताना है। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कौन चाहेगा? तो आप बोल रहे हो सर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कर्ड डिपार्टमेंट चाहेगा क्योंकि उसको कॉस्ट कम करना है, उसका कॉस्ट कम होगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड दैट्स व्हाट इट वांट्स। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कभी भी अपन कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफरी के नजरिए से, और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कौन चाहेगा? ट्रांसफरर। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस अपन कभी भी कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफरर के नजरिए से, समझ में आया आपको? चलो अब लॉजिक लगा के, मुझे कोई सीए का नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे पूरे पूरे सब्जेक्ट में खाली आप लोग का बेसिक बनिया बुद्धि चाहिए, लॉजिक चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज के साथ मुझे बताना है ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना ट्रांसफरी क्या चाहेगा, कितना मिनिमम ट्रांसफरी या कितना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अपन रख सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने को बताना है। आप बताओ कितना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस आप रखोगे? तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पे ये जो मेरा इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है, क्या ये पूरा का पूरा स्पेयर कैपेसिटी से हो रहा है क्या? द आंसर इज यस। कैन आई से फुल इंटरनल डिवीजन जो है वो स्पेयर कैपेसिटी से, तो उसका जो ट्रांसफरर डिवीजन है उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसमें,
तो कहना इसे अगर नुकसान नहीं होने वाला है, मतलब बाहर का कुछ बेच के नुकसान नहीं होने वाला है उसका वो वाला, देन इन दैट केस यहां पे ट्रांसफर ही चाहेगा रिकवरी ऑफ बेयर मिनिमम कॉस्ट। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? यस और नो? एंड देयरफॉर योर ट्रांसफर प्राइस इन दिस केस विल बी रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विच इज ₹80 पर लीटर। समझी गुड एवरीवन? बराबर है। सो मिनिमम, कितना मिनिमम लेना ही चाहिए? ट्रांसफरर क्या बोलेगा कि बॉस मिनिमम मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि भाई सुनो, ट्रांसफर इज फुल्ली फ्रॉम आइडल कैपेसिटी, ट्रांसफर इज फुल्ली फ्रॉम आइडल कैपेसिटी। अगर पूरा का पूरा ट्रांसफर आइडल कैपेसिटी से ही है, सो अपने को फोकस खाली रिकवरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर होगा, अपना फोकस खाली रिकवरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर होगा। एंड अगर मैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट की बात करता हूं, अगर मैं यहां पे रिकवरी ऑफ कॉस्ट की बात करता हूं, देन इन दैट केस यहां पे मेरा कॉस्ट आ जाता है मिनिमम विच इज ₹80। मैंने ये ट्रांसफर प्राइस फाइनल नहीं किया है, मैं खाली रेंज बता रहा हूं कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट मतलब ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू योर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹80। और मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है? तो मैक्सिमम तो जो मार्केट में ले रहा है वो ट्रांसफरर, उतना अपने से भी ले ले, मार्केट से ₹100 में ले रहा है, तो मैक्स ट्रांसफर प्राइस विल ऑलवेज बी योर मार्केट प्राइस, विल ऑलवेज बी योर मार्केट प्राइस विच विल बी ₹100। टीपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। फाइनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने रेंज बना दिया है जिसके लिए मुझे बुलाया था, एंड वो रेंज होगा भाई मिनिमम 80 तो चार्ज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मिनिमम 80, मिनिमम ₹80 तो चार्ज करना ही करना है, मैक्सिमम ₹100 से ज्यादा नहीं लेना है। अब 80 टू 100 के बीच में जो भी भाव रखो, ट्रांसफरर का भी फायदा है, ट्रांसफरी का भी फायदा है। सपोज 85 रखा, सपोज 85 रखा, तो ट्रांसफरर का तो ये स्पेयर कैपेसिटी है, उसको तो ₹5 एक्स्ट्रा मिल गया, वो खुश। ट्रांसफरी बोलेगा यार मैं बाहर लेने को जाऊंगा तो बाहर तो सेम चीज ₹100 में मिल रही है, मुझे तो 85 में मिल गई, वो भी खुश। सो रेंज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन ऐसा रेंज बनाते हैं कि ये रेंज में ट्रांजैक्शन हो ना, देन इन दैट केस ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी किसी को भी नुकसान नहीं होने देंगे, इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जाता है। समझ में आया? अभी भी मैं बोल रहा हूं 80 या 100 फाइनल नहीं हुआ है, वो इन दोनों अभी झगड़ा करके निगोशिएट करेंगे, बट मैंने एक ऐसा प्राइस डाल दिया है जिससे ना ट्रांसफरर को नुकसान होगा, जिससे ना ट्रांसफरी को नुकसान होगा, एंड दैट इज व्हाट माय रोल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज। और ये आया है खाली मेरे डिसेंट्रलाइज प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद ही। समझ गए? तो मुझे एक ऐसा सिचुएशन लाना है कि बस ये वो रेंज में हो जाए। अब जब ये रेंज में कुछ भी भाव पे किस पे भी बेच दे दो, बट ये रेंज में होना चाहिए बस, तो कोई टेंशन नहीं है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। ए समझ गुड़ू एवरीबॉडी? सौरभ जी फर्स्ट सेशन है, आएगा सब चीज आएगा, आपका जो भी पॉइंट है सब होगा। पवन जी फर्स्ट एग्जाम्पल है, सब आएगा। क्या मैंने ऐसा बोला ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर खत्म हो गया? नहीं ना, आएगा आपके जो भी ये वाले जो डाउट्स है, थोड़े ऊपर लेवल वाले आएंगे, वो भी धीरे धीरे होते जाएंगे। क्या इतना आप सबको समझ गए? यस, ट्रांसफरर शुड ऑलवेज नो कि मिनिमम कितने में ट्रांसफर करना है। और उसके लिए सीए है ना भाई, वो सीए वो सब डिसाइड करेगा यार, ट्रांसफरर को हटाओ ना, ट्रांसफरर थोड़ी सीए अपन है ना, सीए अपन को पता होना चाहिए ट्रांसफरर मिनिमम कितना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेगा। सिंपल, समझो एवरीबॉडी? यस और नो?
ए बोलो बोलो, चल चल, समझ में आ गया सब लोग को, पहले वो बोलो। अब इससे आप लोग क्या सीखे, लर्निंग, लर्निंग क्या मिला आपको इससे? देखो सबसे पहला, अरे हाँ ये बराबर ही लिखा है मैंने, आएगा तुम लोगों को समझेगा ही क्यों लिखा है मैंने, डोंट वरी। ठीक है, हाँ अब सुनो, अब सुनो, लर्निंग क्या मिला है मुझे, सबसे पहला क्या सिचुएशन है पता है? मुझे पवन ने पूछा कि सर अगर ये एक्सटर्नल डिमांड 90,000 हुआ तो, एक्सटर्नल डिमांड 1 लाख हुआ तो, होगा ना, वो भी सिचुएशन देख लेंगे। फिलहाल ये सिचुएशन क्या है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज फुल स्पेयर कैपेसिटी। गाइस दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज फुल स्पेयर कैपेसिटी, समझो एवरीबॉडी, क्लियर? सो ये लर्निंग है केस वन के लिए। केस वन क्या है? केस वन है फुल आइडल कैपेसिटी। इससे अपन लोग क्या सीखे कि बॉस अगर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस रखना है ना इन केस ऑफ फुल आइडल कैपेसिटी, तो आप खाली रिकवर ऑफ ये वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूं, रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट से आपका काम हो जाएगा। सो यहां पे आपका ट्रांसफर प्राइस होगा रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड मैक्स ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा? वेल इट विल बी मैक्सिमम कितना लेंगे अपन, जो मार्केट से चार्ज कर रहे हैं, विच विल बी योर मार्केट प्राइस, समझो एवरीबॉडी। ठीक है, वी आर कीपिंग इट वेरी बेसिक वेरी सिंपल। चलो ठीक है, इतना सब लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं चलता हूं मेरे सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर, अब मैं चल रहा हूं मेरे सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। केस चू, स्टार्ट करते, आइए। सेम मिल्क डिवीजन है, कर्ड डिवीजन है, ओके सर, फिर क्या सर? ओके, मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट और इसका एक्सटर्नल डिमांड है, अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिलेगी, एक्सटर्नल डिमांड है 90,000 यूनिट, मुझे फटाफट बताओ इसका स्पेयर कैपेसिटी कितना है, स्पेयर या जिसको अपन बोलते हैं आइडल कैपेसिटी कितना है? सर 10,000 यूनिट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओके। सेम इसका सेलिंग प्राइस इन मार्केट इज 100 पर लीटर, इसका वेरिएबल कॉस्ट इज 80 पर लीटर, डन, ओके सर। अब यहां पे इंटरनल डिमांड आया है, अब यहां पे कर्ड को इंटरनल डिमांड चाहिए कितने का? 20,000 लीटर का। आओ आएगा ना मजा वीडियो, आओ करते हैं इसको सॉल्व। अब यही अगर कॉस्ट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होता ना तो वो लोग क्या करते पता है, हाथ चलना 20,000 यूनिट चाहिए, 20,000 मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दिया एट कॉस्ट, हो गया नो टेंशन। अरे बट इससे शायद नुकसान हो जाएगा, अरे छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो जितना सैलरी मिल रहा है उतना मिल ही रहा है ना, ये प्रॉब्लम था सेंट्रलाइज्ड कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। बट अब छोड़ो कल की बातें, क्योंकि कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम, चार्टर्ड अकाउंटानी, व्हाटएवर व्हाटएवर। चलो सो हर्ष कुकरेजा को टेंशन आ गया, सर 10,000 स्पेयर है बाकी का क्या? अरे मेरे भाई आ रहा है ना तुम्हारा सीए, आ रहा है ना, काहे टेंशन ले रहे हो, चलो आओ आओ। ये कहना इसे इस केस को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो ये वाला केस क्या था, आपने लिखा था ये केस को फुल स्पेयर कैपेसिटी, कहना इसे इस केस में लिख सकता हूं पार्ट स्पेयर कैपेसिटी पार्ट ऑक्यूपाइड, क्योंकि ये जो इंटरनल डिमांड है इस इंटरनल डिमांड में से थोड़ा ऑक्यूपाइड है और थोड़ा स्पेयर है। So, ये है मेरा पार्ट ऑक्यूपाइड
और पार्ट स्पेयर कैपेसिटी, मतलब पार्ट तो मैं बाहर बेच रहा हूं और पार्ट स्पेयर है, अब ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करेंगे सर? आओ दिमाग लगाते हैं, आओ दिमाग लगाते हैं। सो अब यहां पे उनका कॉल आया, किसको? चार्टर्ड साहब को। कौन है चार्टर्ड साहब? आपके सामने जो बैठा है वो। आइए चलो, आओ आओ आओ। चलो सो अब आ गए हैं आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। अब आ गए हैं आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। कौन है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट? हम। चलो थैंक यू। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं सुनो। और हाँ, मेरे को पता है बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स है जो ये लेक्चर बैठ रहे हैं, और वो फर्स्ट टाइमर्स मुझे चाहिए कि आप लोग बताते जाना। आप लोगों को समझा तो सबको समझा। ए, कौन है ये फर्स्ट टाइमर्स? मुझे देखने दो। तो फर्स्ट टाइमर्स कौन कौन है मुझे इधर हाथ ऊपर करो ना, बोलो ना सर। जेन्युइनली जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, प्लीज हाथ ऊपर करना, क्योंकि मैं तुम लोग को बार बार फिर पूछते रहूंगा। तुमको समझाना तो मैं समझ जाऊंगा, पूरे क्लास को समझा। कौन कौन है इधर फर्स्ट टाइमर? गौरव अग्रवाल है। कौन कौन है? नितेश, अरे महेश्वरी जी खुद फर्स्ट टाइमर है, वाह क्या बात है। हाँ चेतन जी सब, अरे इतने सारे जन सब फर्स्ट टाइमर ही हो क्या तुम लोग? क्या बात, अरे क्या पूरा मेरा चैट बॉक्स भर गया। चलो जरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ चुका है। तो अभी कर्ड डिवीजन और मिल्क डिवीजन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन किया है, समझ गया मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन किया और बोला है सर आइए, सर आपकी जरूरत है। वॉट शुड बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑफ मिल्क डिवीजन, ऑफ मिल्क डिवीजन, क्योंकि मिल्क ट्रांसफर डिपार्टमेंट है तो वही डिसाइड करेगा ट्रांसफर प्राइस। तो चलो ठीक है, चलो चलो। सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑफ मिल्क डिवीजन। चलो अब यहां पे अपने को बताना है, यहां पे अपने को बताना है क्या मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होगा, क्या मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगा, सोच समझ के लॉजिकली अब अपने को बताना है। आइए कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। एवरीबॉडी फोकस नाउ, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, अपने को सबसे पहले देखना है इंटरनल डिमांड कितना है। तो आप मुझे बताएंगे इंटरनल डिमांड कितना है, तो जवाब आया सर इंटरनल डिमांड है 20,000 लीटर्स। आप मेरे को बताओ इस 20,000 लीटर्स में कितना लीटर्स अपना स्पेयर है, कैन आई से 10,000 लीटर्स अपना स्पेयर कैपेसिटी है। ओके, इसमें से कितना अपना एक्सटर्नल डिमांड वाला है। तो अगर मेरे को इस इंटरनल डिमांड को पूरा करना है तो 10,000 लीटर्स तो मैं स्पेयर में से दे दूंगा, पर बाकी का जो 10,000 लीटर्स है कैन आई से उसको लिए मेरे को मेरा एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बरखुरदार हाँ या ना एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर बिल्कुल सही। चलो ठीक है, सो 10,000 लीटर्स स्पेयर है और 10,000 लीटर्स एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस हो रहा है, तो जो पार्ट स्पेयर है चल उसके लिए तो मैं तेरे पास से वेरिएबल कॉस्ट ले लूंगा, बराबर है। उसके लिए तो मैं तेरे पास एट द रेट वेरिएबल कॉस्ट पे ले लूंगा, विच इज एट द रेट ₹80 पर लीटर। बट बॉस, जो 10,000 एक्सटर्नल डिमांड मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना, उसके लिए जितना मेरा एक्सटर्नल डिमांड मेरे को मिल रहा था ना, उतना ही मैं तेरे को चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं भी प्रॉफिट सेंट्रिक हूं। अगर मैं कॉस्ट सेंट्रिक होता तो पूरा का पूरा 20,000 तेरे को ₹80 में ट्रांसफर कर देता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। बट अब मेरे को मेरे डिवीजन का प्रॉफिट भी देखना है। प्रॉफिट नहीं मिले चलेगा, बट मैं मेरा मार्केट में जितना मुझे मिल रहा है उससे कम में तेरे को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अदरवाइज मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये 10,000 स्पेयर है, चल इसके लिए आई कैन मैनेज दैट। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो कैन आई से इतना वाला जो पार्ट है, ये जो एक्सटर्नल डिमांड सेक्रीफाइस हो रहा है उस पार्ट के लिए वो बोलेगा कि मेरे को मेरा मार्केट प्राइस में जो है उतना मेरे को दे दो, विच इज ₹100 पर लीटर, बिकॉज मेरे को उतना मिल रहा है, अदरवाइज मैं उस सेक्रीफाइस नहीं करूंगा आपके लिए। तो अब मैं वो सेक्रीफाइस करके आपको दे रहा हूं, तो वो
कितना मिल रहा था वहां से, 100 रुपया मिल रहा था पर लीटर, आप भी उतना दे दो ये 10,000 लीटर के लिए। क्या लॉजिकल लग रहा है? एब्सोल्युटली यस। तो अपन यहां पे बोलेंगे भाई टोटल 10,000 × 80 कितना हुआ सर? ₹8 लाख प्लस सर 10,000 × 100 कितना हुआ सर? ₹10 लाख। मैं आपको बता दूं टोटल हुआ है 18 लाख रुपया। मैं आपको बता दूं टोटल हुआ है 18 लाख रुपया। टोटल हुआ है 18 लाख रुपया। ये 18 लाख रुपया इंटरनल टीम मतलब ट्रांसफर ही डिवीजन ट्रांसफरर को देगी फॉर हाउ मेनी लीटर्स? फॉर 20,000 लीटर्स। इसका मतलब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरा कितना आ गया? इट विल बी रुपीज 90। ये बहुत क्रूशियल था, क्या ये आप लोग को समझी गुड़ू? अगर हाँ देन इन दैट केस समझ लो आपको अब ट्रांसफर प्राइसिंग में कोई नहीं हरा सकता, समझ लो आप। बस अब मेरे कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहो, हो गया तुम्हारा काम। ये देखो तो इसने इधर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पूछा है, मैं बोल दूंगा ₹90 पर लीटर। मैं बोल दूंगा ₹90 पर लीटर। मेरे को सब लोगों का जवाब चाहिए, समझा या नहीं, स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स वालों का। यस यस यस। एंड यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है, एवरीबॉडी थम्स अप, अंडरस्टूड, समझू? ये लो ये पेज एक बार दिखा देता हूं, चलो एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। राजीव आई थिंक तू 1 घंटा लेट आया तो तेरे लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, बट इसका मैं लिंक दे दूंगा, ओपन लिंक तेरे को, उससे तेरे को समझ में आ जाएगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। चलो फटाफट मैं आप लोगों को बताता हूं क्या हो रहा है यहां पे। अब देखो अपने को मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है? इंटरनल डिमांड है 20,000 रुपया, 20,000 यूनिट्स का, 20,000 लीटर का, बट अपने पास फिलहाल खाली 10,000, ये यूनिट में नहीं है, ये एक्चुअली लीटर्स है, ठीक है? हाँ, तो 1 लाख लीटर का प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्सटर्नल डिमांड है 90,000 लीटर्स का। अब मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कितना बचा है? 10,000 लीटर। और मेरे को कॉल आया इंटरनल डिपार्टमेंट के, भाई मेरे को 20,000 लीटर चाहिए। मैं उसको बोलूंगा मेरे पास 20,000 लीटर है ही नहीं, मेरे पास तो 10,000 लीटर ही स्पेयर पड़ा है। तो कर डिपार्टमेंट बोलेगा ए भाई सुन, 10,000 लीटर जो स्पेयर पड़ा है वो तो चल ठीक है, वो तो स्पेयर ही है तेरा, तू कॉस्ट पे दे सकता है, पर बाकी का जो 10,000 लीटर्स है जो तू मार्केट पे बेच रहा है वो मार्केट पे मत बेच और मेरे को दे। तो ट्रांसफर डिवीजन जो मिल्क डिवीजन है बोलेगा अरे भाई मैं अगर वो मार्केट का सैक्रिफाइस करके तेरे को दूंगा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा ना। तो इंटरनल डिपार्टमेंट बोलता है अरे नुकसान क्यों कर रहा है, तो वो मार्केट से तू जितना ले रहा है वो 10,000 लीटर के लिए जो तू सैक्रिफाइस कर रहा है उतना मेरे से ले ले, जितना तू मार्केट से लेता है उतने 10,000 लीटर्स के लिए। तो यहां पे वही तो किया है, जितना स्पेयर है उसको कॉस्ट पे दे दिया मिनिमम, और जितना एक्सटर्नल डिमांड हो रहा है उसको मार्केट प्राइस पे ले लिया। ए समझ गुडू एवरीबॉडी? मनोज जी समझ में आ गया? जिसको भी डाउट था सब लोगों को समझ में आ गया क्या? प्लीज बोलो जल्दी। यस 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 अच्छा परफेक्ट। शोभित बोल रहे स्पेयर यूनिट पे प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे क्या? ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा शोभित जी, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम में स्पेयर कैपेसिटी पे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। हाँ जब मैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस करूंगा ना, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के टाइम पे
यस आई विल से ट्रांसफर प्राइस, मैं तो मार्केट प्राइस जितना ही लूंगा, विच विल बी रुपीज 100 पर लीटर, विच विल बी रुपीज 100 पर लीटर, यहां पे मैं लिख दूंगा 100 पर लीटर, और मेरा ये रेंज बन चुका है 90 to 100 का। ए समझियो एवरीबॉडी, कॉमन सेंस, बढ़िया बुद्धि, मजा आ गया, बस यही तो चाहिए बेटा, समझे, क्लियर एवरीबॉडी। ये मिनिमम है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस पे हम लोग ने डील कर दिया, बट अगर ये 90 to 100 में डील होता है ना, तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट हो या ट्रांसफरी डिपार्टमेंट हो, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही होगा। ये काम है चार्टर्ड का, अब उनको निगोशिएट करने दो, वो दोनों मैनेजर है, स्मार्ट है, वो निगोशिएट करेंगे, अब अपना काम नहीं है वो सब। ये देखो जय कुमार क्या बोल रहा है, अगर प्रॉफिट सेंट्रिक है तो वो बताएगा ही नहीं कि कितना स्पेयर है वो, भाई ये कैलकुलेशन ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई चीज छुप सकती है क्या? कभी नहीं, डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनसे कभी कोई कुछ नहीं छुपाता, बता रहा हूं मैं आपको। छुपाएंगे? अरे क्या बच्चे हो क्या कि इसको इसका पता नहीं चलेगा? सब चीज सिस्टम में जाता है ना, ईआरपी सिस्टम होता है, एवरीथिंग नोज। एससीएमपी मार्क्स का रेंज 60 to 100, थोड़ा बड़ा ना, 70 to 100 का रखते हैं ना, थोड़ी ऊंच ऊंची सोच रखते हैं। चलो गाइस, पॉइंट है, अभी क्लियर एवरीबॉडी, अभी क्लियर एवरीबॉडी, सब लोगों को लॉजिकली समझ गई चीजें। अच्छा इधर से आपको क्या लर्निंग मिला बच्चों, इधर से आपको केस टू से क्या लर्निंग मिला, केस टू का क्या लर्निंग है? सबसे पहला, केस टू कैसा सिचुएशन है, केस टू का जो सिचुएशन है उसको कहते हैं पार्ट स्पेयर और पार्ट ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब सुनो, इसमें अपने को क्या समझ में आया, अगर मेरे को मिनिमम ट्रांसफर प्राइस करना है कैलकुलेट, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? सुनो, ओए सुन मेरी बात, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जब पार्ट स्पेयर पार्ट ऑक्यूपाइड होता है तो मैं डिवाइड कर देता हूं, जो पार्ट मेरा स्पेयर कैपेसिटी वाला है, जो पार्ट मेरा स्पेयर कैपेसिटी वाला है, कैन आई से वो एट द वेरिएबल कॉस्ट जाता है, एंड जो पार्ट मेरा ऑक्यूपाइड वाला है वो मेरा जाता है मार्केट प्राइस के बेसिस पे। अभी क्लियर? और फिर इन दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ये स्पेयर कैपेसिटी का जो यूनिट्स है और ऑक्यूपाइड वाला जो यूनिट्स है, इन दोनों को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे एट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मार्केट प्राइस पर यूनिट, इन दोनों का जो टोटल आएगा उसको अपन डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली, टोटल यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली। ओ भाई समझे क्या? शुभम अरोड़ा पूछ रहा है ये बोर्ड नोट्स मिलेंगे क्या? ऑब्वियसली शुभम जी, ये बोर्ड नोट्स लेके मैं घर पे जाके क्या करूंगा, ये आप ही के लिए, आप ही को मिलेंगे, डोंट वरी एट ऑल बेटा। चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी, अब मुझे बताओ थर्ड सिचुएशन क्या होगा। अब आप लोग वो लेवल पे आ गए हो कि आप लोग डिसाइड करोगे चीजें, केस वन था फुल्ली स्पेयर या फुल्ली आइडल, केस टू था पार्ट स्पेयर पार्ट ऑक्यूपाइड, थर्ड सिचुएशन क्या होगा वो आप मुझे बताओगे, थर्ड सिचुएशन क्या होगा वो आप मुझे बताओगे। जेब क्या स्मार्ट लोग मिले यार, क्या स्मार्ट लोग है, बोलते हैं नो स्पेयर कैपेसिटी, एकदम सही। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने दो, या तो वो स्पेयर कैपेसिटी वाला होगा फुल स्पेयर, या तो पार्ट स्पेयर पार्ट ऑक्यूपाइड, या अपना तीसरा केस विच इज फुल्ली ऑक्यूपाइड नो स्पेयर कैपेसिटी, चौथा केस पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट मैंने ऐसा तीन चीज आपको करवा दिया है जिसके बाहर इंस्टीट्यूट की ताकत ही नहीं है क्वेश्चन पूछने की, बोलो क्या बोलते हो? इसको अपन कहते हैं फुल्ली ऑक्यूपाइड, या जिसको बोलेंगे जीरो स्पेयर, समझे? आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया।
चलो अब इस केस में अगेन सेम वही मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन, प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख लीटर्स, एक्सटर्नल डिमांड बी 1 लाख लीटर्स, कितना स्पेयर या आइडल है? जीरो, जीरो, ठीक है। इंटरनल, अच्छा इसका वही सेलिंग प्राइस जिसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं ₹100 per liter, वेरिएबल कॉस्ट ₹80 per liter, कर्ड का इंटरनल डिमांड इज इक्वल टू 20,000 liters। अब आएगा ना मजा, बुलाया अपने को, अपने को बुलाया और बोला अरे सीए साहब, सीए साहब जरा बताओ ना, सीए साहब, सीए साहब जरा बताओ ना रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, सीए साहब, सीए साहब बताओ ना रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, एक्सटर्नल डिमांड ज्यादा नहीं हो सकती, अरे वो एक ही बात हो गई ना, अब ये इधर एक्सटर्नल डिमांड 1 लाख रख, 1 लाख, 10,000 रख, 100 लाख रख, क्या फर्क पड़ता है, तू प्रोडक्शन इतना कर पाएगा, सेल उतना ही कर पाएगा ना नवीन जी, कॉमन सेंस, समझे क्या? चलो सो अब यहां पे अपन बोलेंगे भाई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, बोलो बोलो चल चल, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, वो बोलेगा भाई मेरे पास नो स्पेयर कैपेसिटी है, मतलब मुझे पूरा का पूरा मार्केट का सेल सैक्रिफाइस करके तुम्हारे को देना पड़ेगा, तो मैं भी प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन हूं, मैं मेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं जितना मार्केट से कमा रहा था पूरा का पूरा तुमको दे रहा हूं, तो तुमको मेरा मार्केट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा बरखुरदा। और मैक्स ट्रांसफर प्राइस तो वो ही होता है, तो ये हो गया अपना काम इजी एट द रेट ₹100 per liter, काफी लोगों ने मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम लिख दिया था एंड यस यू गाइस वर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी के साथ मेरे तीनों के तीनों केसेस, जो तीनों केसेस पॉसिबल है, तीनों के तीनों मैंने केसेस डाल दिए हैं, विद दिस आई रेस्ट माई केस। क्या ये आप लोग सब लोग को समझ गुड़ू एवरीबॉडी? सो यहां पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस भी मार्केट प्राइस ही होगा। ए समझियो, प्लीज किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट मत रखना, शर्माना मत कि कोई क्या सोचेगा, वो सब दिमाग में मत रखो, जस्ट बी लॉजिकली क्लियर, कोई भी डाउट हो पूछ लो बिंदास, बेझिझक, बेधड़क, समझ गए? ये रहा केस स्टडी, केस थ्री का समरी, कुछ है ही नहीं, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस भी मैक्सिमम मार्केट प्राइस, ये भी तेरा मार्केट प्राइस। क्या मैक्स प्राइस कभी भी मार्केट प्राइस को एक्सीड कर सकती है? नो no. चलो रश्मि जी बोल रही है ऑल थ्री केसेस रिवाइज करो, करेंगे रिवाइज, बट उसका जवाब मैं नहीं आप देंगे। शेखर गुलाटी आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा वो चीज। मितेश बोल रहा है कि वो अपन से क्यों लेगा, तो मत ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांसफर डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि देख भाई मैं तेरे को ₹100 में दूंगा, तेरे को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले, किधर कोई जोर जबरदस्ती है, ठीक है तू बाहर से ले, बाहर से लेगा तो भी ₹100 में पड़ेगा, मेरे से लेगा तो भी ₹100 में पड़ेगा, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत ले, मुझे ₹100 मिल रहा है यहां से, तू ₹100 देता है तो दे वरना मत दे, सिंपल। मितेश कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी का। सर प्रैक्टिकली डू वी कैलकुलेट स्पेयर कैपेसिटी? यस भवानी जी, यस। हाँ पवन कुमार बोल रहा है फ्रेट तो बच जाएगा, वो सब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तुम्हारा दिमाग जो एक्स्ट्रा चल रहा है वो सब। चलो तीनों को रिवाइज करवा देता हूं, आइए। हाँ वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, फिलहाल मेरे को बेसिक रखना है। अब तुम लोगों को चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन वाली भी चीजें करवा दूं क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोलना मत सर इतना हैवी फर्स्ट इसमें। हाँ नहीं तो
हाँ ये स्वैग है सर, प्लीज वंस एक्सप्लेन इन इंग्लिश. ओके मिस्टर केशव, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो इन दिस सिचुएशन वी हैव, व्हेन वी हैव टू कैल, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइस कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं? ट्रांसफर प्राइस इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आस्किंग यू, प्लीज टेल मी. करेक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक, डिसेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक. ठीक है, डन डन डन, इतना समझ में आ गया? यस सर. आशीष का क्या क्वेश्चन है? आशीष गर्ग का, आशीष जो तू पूछ रहा है उसको लॉजिकली सोच, तू आंसर मिल जाएगा. डिसेंट्रलाइज्ड प्लस प्रॉफिट, ओके डन. इस केस में अपन ट्रांसफर प्राइस यूज करते हैं. मेरे तीन केसेस हो सकते हैं. पहला केस क्या होगा आप मुझे बताएंगे? फर्स्ट केस क्या होगा आप मुझे बताएंगे? बोलिए, फर्स्ट केस क्या होगा? बोलो बोलो, चल चल. अच्छा ये एक और चीज, चलो बता दो, फर्स्ट केस क्या होगा आप मुझे बताएंगे? वेरी नाइस, फर्स्ट केस होगा फुल स्पेयर कैपेसिटी, फुल स्पेयर कैपेसिटी. चलो, अब दिमाग में आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है? फुल स्पेयर कैपेसिटी मतलब आपको याद आ गया, 1,80,000, 20,000 स्पेयर है, वही 20,000 ट्रांसफर करना है. ठीक है, अब इस केस में जो सीए साहब है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस सेट करना, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस सेट करना. ठीक है, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. यहां पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? मिनिमम कितना रिकवर करना ही चाहिए अपने को? फुल स्पेयर कैपेसिटी है, मिनिमम कितना रिकवर करना ही चाहिए अपने को? फुल स्पेयर कैपेसिटी है, बोलो एवरीबॉडी. यस, कैन आई से रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, समझे? एंड मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता हूं? करेक्ट, इट इज द मार्केट प्राइस. मैं नहीं बोल रहा हूं ये फाइनल हो गया, बट ये मेरा रेंज बन जाता है. परफेक्ट, लॉजिकली क्लियर हो गया? जितना कॉस्ट रिकवर करना है उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, फुली स्पेयर है उसका भी, है ना है ना है ना, समझे एवरीवन? चलो अब आते हैं केस टू पे, अब आते हैं केस टू पे. केस टू क्या था आप बताएंगे? केस टू क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा, केस टू क्या था एवरीवन? यस, सही जवाब. केस टू है मेरा पार्ट स्पेयर, पार्ट स्पेयर प्लस पार्ट ऑक्यूपाइड प्लस पार्ट ऑक्यूपाइड. ए समझू समझू एवरीबॉडी, पार्ट स्पेयर प्लस पार्ट ऑक्यूपाइड. अब जो पार्ट स्पेयर वाला केस है या पार्ट ऑक्यूपाइड वाला केस है, तो इसमें अपने को पहले फाइंड करना पड़ता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस. इसमें अपने को कैलकुलेट करता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में. जो पार्ट स्पेयर है, जो पार्ट स्पेयर है उसके ऊपर कितना चार्ज करेंगे, और जो पार्ट ऑक्यूपाइड है उसके ऊपर कितना चार्ज करेंगे? जो पार्ट स्पेयर है उसको वेरिएबल कॉस्ट, जो पार्ट ऑक्यूपाइड है उसको एट मार्केट प्राइस. इन दोनों का जो टोटल है उसको डिवाइड, टोटल करके उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स टू बी ट्रांसफर्ड इंटरनली. समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या पब्लिक? देखो तुम लोग ही अभी आंसर दे रहे हो, सही है. राजीव भट्ट, समझ में आया क्या तेरे को बेटा? थोड़ा तू लेट आया, कोई बात नहीं, सुन लेना वापस, समझ में आ जाएगा. बट लॉजिकली अपन लोग ने किया है सब चीज, बहुत बढ़िया, सब लोग खुद से आंसर दे रहे हैं. और अब मैं अगर इसी का मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस लिखता हूं ना, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आता है कितना? करेक्ट, इट विल बी द मार्केट प्राइस, इट विल बी द मार्केट प्राइस.
थर्ड केस तो कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल है, फुल्ली ऑक्यूपाइड, फुल्ली ऑक्यूपाइड का केस क्या होगा बताओ? करेक्ट, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एट द रेट मार्केट प्राइस ही बरकरार, क्योंकि मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं तो फुल्ली ऑक्यूपाइड हूं, तेरे लिए मैं बाहर को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तेरे से भी उतना ही लूंगा, मैं प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन हूं। ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस भी मार्केट प्राइस पे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो डिवीजन प्रॉफिट सेंट्रिक डिवीजन है बरकरार, समझ में आया? बस इसी के साथ लेते अपन एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद करने वाले हैं एक हाई लेवल क्वेश्चन, मस्त वाला क्वेश्चन, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स के तार खुल जाएंगे ऑफ दिस चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग। बने रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एनी डाउट्स एनीबॉडी प्लीज आस्क, वी विल रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट में रिज्यूम करेंगे अपन, 7:55 को रिज्यूम करेंगे, बता रहा हूं मैं। चलो बाय बाय।